नमस्कार, मैं राजेंद्र वसनलाल शाह, मुझे सब लोग राजू भाई के नाम से ही ज़्यादा जानते हैं। और एक्चुअली क्या है कि लास्ट टाइम तो मैंने मेरा सारा चीज़ बताया था, समझो, तो वो मैं नहीं कहूँगा। वो जो पुरवन चीज़ हुआ है आज की तारीख में, जो कोविन जो अभी बढ़ गया एक साल के बाद और डबल बढ़ गया, डबल जोर से, तो लास्ट टाइम जो कोविन के बारे में मैंने बताया था, कोविन 19 के बारे में, कि जो कोविड 19 जो उसका जो विषाणु हर एक के शरीर में जो जाता है, समझो, और उससे कोविड 19 होता है, उससे बुखार आता है, पूरा शरीर, समझो, बदन बहुत टूटता है, समझो, फेफड़ों में कफ बढ़ जाता है, नमोनिया, इन्फ्लुएंजा, ये सारे रोग, सर्दी, मलेरिया, ये सारे रोग बढ़ जाते हैं ये अंदर जाने के बाद, समझो। तो ये जो एलोपैथिक साइंस जो ये कहता है, तो फिर मैंने लास्ट ईयर ही इनके बारे में स्टडी किया, तो स्टडी ये किया कि आयुर्वेद का जो सिद्धांत है वो थोड़ा सा मैच नहीं होता है। तो मैंने सारे शास्त्रों और ऋषि मुनियों का जो जो ओपिनियन है और जो जो दवाई की थी, तो वो सारा मैंने वापस मनन किया और उसके ऊपर से एक संशोधन किया और मैंने एक्सपेरिमेंट किया दवाई बनाने का, और वो दवाई बन गई। लास्ट मार्च 19 में वो दवाई बन गई और मैंने ये दवाई कोविन 2X नाम से दी लोगों को, ये बना गए और सब लोगों को, स्टार्टिंग में एक्सपेरिमेंटल बेसिस थी, उससे लोगों को बहुत फायदा हुआ, समझो। तो 5,000-7,000 लोगों को धीरे धीरे करके अगस्त तक मैंने बांट दी, अगस्त 2020 तक, और उनका सबका जो रिव्यू आया वो ऐसा आया कि जो लोग नियमित लेते थे, किसी को भी कोविन 19 हुआ नहीं, कोरोना उसके ऊपर कोरोना का विषाणु प्रभावित नहीं कर सके इंसान के ऊपर, तो हुआ क्या कि इससे मुझे कॉन्फिडेंस आया। फिर मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट में गया, महाराष्ट्र गवर्नमेंट में जैसे ही गया तो उन्होंने बताया कि कोविन 2X नाम नहीं दे सकते, अब कफलिन 2X मीन्स कोई आयुर्वेदिक नाम दे दो। तो मैंने कफलिन 2X नाम दिया, ये जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट में कफलिन 2X नाम से मैंने अप्रूव करवाया, समझो। अभी इसका जो मेन यूज जो है, मेन सिद्धांत ये क्या है कि पूरी दुनिया की मानव जाति में जो शरीर जो कुदरत ने बनाया है, तो उसके अंदर शरीर में छह रस उत्पन्न होता है, समझो, मधुर, खारा, तीखा, कड़वा, ऐसे छह रस है। ये छह रस जो उत्पन्न होते हैं, तो छह रस जब असंतुलन होता है शरीर में, बॉडी में, तो कफ पित्त वात भी असंतुलन होता है, तो उनके कारण से, वो असंतुलन होने के कारण, समझो कि शरीर की पाचन क्रिया बिगड़ जाती है। पाचन क्रिया बिगड़ने के बाद और भी शरीर में, समझो कि निंद्रा भी नहीं आती है शरीर में, समझो कि बहुत सारे, समझो कि थायराइड हो जाता है, मीन्स अलग अलग, वो अलग अलग रोग बढ़ जाते हैं, अलग अलग डिजीज बढ़ जाते हैं। तो इसके कारण क्या होता है कि शरीर में जब पाचन नहीं होता है ना, तो शरीर में जो आम बनता है वो पड़ा रहता है शरीर में, वो आंतों में धकेलता नहीं, क्योंकि धकेलने की क्रिया थोड़ी सुसुप्त हो जाती है, तो वहां फिर विषाणु उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये विषाणु के कारण, समझो कि न्यूमोनिया होता है, इन्फ्लुएंजा होता है, टीबी होता है, या तो डायबिटीज होता है, सर्दी, ताव मीन्स फीवर, बुखार, मलेरिया, बहुत सारे रोग ऐसे हो जाते हैं। तो इसमें जिसका पाचन क्रिया वीक होके जो शरीर में जो ब्लड है, जो खून बनता है, समझो, तो वो जो खून को जो है ना, वो कमजोर हो जाता है। कमजोर हो जाने के कारण फिर ऐसे कोरोना जैसे जीवाणु, बैक्टीरिया, ये सब शरीर में चढ़ जाते हैं। तो ये जो रचना है शरीर की, मैंने जो आपको समझाया, तो मैंने उस पर ही रिसर्च करके ये जो कफलिन 2X बाद में बनाया, और ये अगस्त से आज तक करीबन 10,000 लोगों के ऊपर ये दवाई का प्रयोग किया मैंने, कफलिन 2X महाराष्ट्र गवर्नमेंट की अप्रूवल होने के बाद करीबन 10,000 लोगों, मगर जो लोग रेगुलर लेते हैं आज तक उसको कोरोना नहीं हुआ है,
मेरे देखो मेरे सगे वालों में, मेरे समाज में, मित्र सर्कल में, फिर मेरे जो 300 पेशेंट हैं, 300 पेशेंटों में, और ये जो जितने भी समाज सेवक है गोरेगा वीस्ट ईस्ट समझो, तो ये सारे जो कई शिवसेना के भी समाज सेवक है, बहुत सारी पार्टियों के भी समाज सेवक है, वो लोगों ने मेरी दवाई ली और बांटी, सब लोगों को दिया। तो मेरा कहना यही है कि जब ये दवा प्रूवन मीन्स खरी उतर गई है तो पूरी दुनिया को ये लेना चाहिए, और ये लोग लेंगे तो डेफिनेटली ये COVID-19 से बच सकेंगे और अपना शरीर स्वस्थ रख सकेंगे। इस और अपना शरीर स्वस्थ रखना जरूरी है। ये दवा खाली अकेले ऐसा नहीं है कि जैसे वैक्सीन कोविन के ऊपर ही काम करती है समझो, तो ये दवा अपने शरीर में जो सारे रोग है, पूरा पाचन तंत्र है, उनके ऊपर भी काम करती है। शरीर में जो दूसरा विष जो पैदा होता है उसके ऊपर भी काम करती है, तो दूसरे रोगों को भी ये प्रोटेक्ट करती है। कोविन को तो प्रोटेक्ट करती है, कोरोना को तो प्रोटेक्ट करती है, मगर साथ साथ में दूसरे रोगों को प्रोटेक्ट करती है। क्यों? कि इससे हमारा जो ब्लड मीन्स खून, वो ताकत उसमें बढ़ जाती है खून में, तो खून में जो ताकत बढ़ती है तो खून के अंदर जो समझो कि जो व्हाइट सेल्स वगैरह और भी सारे जीवाणु है, लिम्फोसाइट्स वगैरह, तो उनका बैलेंस रह के जो शरीर के अंदर पैदा हुए विषाणु उसके साथ लड़ाई करते हैं, और लड़ाई में वो ये हराते हैं। इसके लिए ये कफलिन 2X सबको लेना बहुत जरूरी है। इसका और भी एक फायदा है कि शरीर में समझो बाय चांस किसी को चला गया कोरोना का विषाणु, तो वो भी समझो कि क्या है, उससे लड़ाई होके वो टॉयलेट में निकल जाता है। तो इसके अंदर एक स्पेशलिटी ये भी है कि इसके अंदर कुछ स्मूथनेस है, तो स्मूथनेस है तो क्या है कि आंतों में जो है ना, जैसे समझो कि अब अपन कांच के ऊपर तेल डालेंगे तो कैसा लिसा हो जाता है, तो ऐसा करके मैंने स्नेहन समझो स्निग्ध पदार्थ ऐसे डाले हैं कि ये जितने भी जीवाणु है वो टॉयलेट से निकल जाता है। तो इसके लिए ये दवा बहुत कारगर है, लोगों को लेनी चाहिए, और लोग लेंगे तो अपना ही भला होगा, देश का भी भला होगा, दुनिया का भी भला होगा। इतना ही मेरा कहना है। जय जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन।